चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रोशनी एक्ट। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, रोशनी एक्ट क्या है, इससे संबंधित विवाद क्या है और यह मामला सामने कैसे आया। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे, यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर के चर्चित रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन ने इस एक्ट के तहत बांटी गई सारी जमीनों का दाखिल खारिज यानी नामांतरण रद्द कर दिया है और 6 महीने में सारी जमीन वापस लेने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त रोशनी एक्ट के द्वारा लाभान्वित हुए सभी लोगों के नाम को सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया गया है। कानून और संसदीय कार्य विभाग ने यह आदेश उपराज्यपाल की सहमति से जारी किया है। रोशनी एक्ट क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम को 2001 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था कि वर्ष 1990 तक प्रत्येक वह व्यक्ति जो या तो राज्य की जमीन पर रह रहा है या उसके कब्जे में राज्य की जमीन है तो उस जमीन पर उसका मालिकाना हक होगा। अगर सरकार द्वारा निर्धारित रकम वह सरकार को देता है, सरकार इस प्रावधान के द्वारा जो राशि प्राप्त करती थी उसका उपयोग जल विद्युत परियोजनाओं में किया जाता था। इसी कारण इसे रोशनी अधिनियम भी कहा जाता है। इस हेतु तय 1990 की समय सीमा को बाद की सरकारों ने आगे बढ़ा दिया। इससे संबंधित विवाद क्या है? रोशनी एक्ट लागू होने से पहले लोगों के पास 10 लाख कनाल सरकारी जमीन कब्जे में थी। एक्ट में यह प्रावधान था कि 1990 से पहले जिसके पास सरकारी जमीन का कब्जा था वे ही इसका लाभ उठा सकेंगे। वर्ष 2004 और वर्ष 2007 में संशोधन हुआ और उसमें 1990 का प्रावधान हटा दिया गया था। इस बीच नए कानून की सूचना लीक होने से कई लोगों ने खाली पड़ी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। सरकारी जमीन पर कब्जे का आंकड़ा 10 लाख कनाल से 20 लाख कनाल तक पहुंच गया। कब्जा करने वाले 547 लोगों में से अधिकतर लोग राजनेता और नौकरशाह हैं। पहले इनके नाम नहीं बताए गए थे। 20 लाख कनाल जमीन पर कब्जा होने से 25,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और सरकार को घाटा हुआ। इस घाटे का आंकलन 2006 का है और 2014 में जमीनों के दाम काफी बढ़ गए हैं। रोशनी एक्ट में नीलामी का भी प्रावधान था और सरकार ने राहत देकर कृषि योग्य जमीन को भी मुफ्त में अलॉट कर दिया। यह मामला सामने कैसे आया? 2014 में कैग की रिपोर्ट आई जिसमें खुलासा हुआ कि 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में गड़बड़ी हुई है। कैग रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार ने 25,000 करोड़ के बजाय सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जमा कराए। 2018 में तत्कालीन राज्यपाल ने रोशनी एक्ट को ही निरस्त कर दिया। अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले में गलत तरीके से आवंटित जमीनें वापस ली जाएं और जिन प्रभावशाली लोगों को जमीन दी गई है उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। इसके बाद कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों के नाम सामने आए। आज का प्रश्न है, रोशनी एक्ट किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी जम्मू कश्मीर और विकल्प डी मध्य प्रदेश। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।